नमस्कार, ऑल इन न्यू नेशन में आपका स्वागत है। आज जो हम आपके लिए खबर लेके आए हैं वो खासा दुखद खबर है, क्योंकि 2020 में हमने कई ऐसे अभिनेता और नेता को खोया जिनके अभिनय ने हमें बहुत प्रभावित किया, जिसे हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, उनको हमने खो दिया, जिसमें इमरान खान, ऋषि कपूर और सुशांत सिंह राजपूत जैसे महान अभिनेताओं को हमने खोया है। ऐसे में जो खबर आ रही है वो भी आपको चौंका देने वाली है। विकी डोनर के अभिनेता को आज हमने खो दिया। जी हाँ, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, जिसकी गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है, आज जब उनकी उनकी मौत को इतने महीना हो गए, उसके बाद भी पड़ताल जारी है और ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि वो एक मौत थी या आत्महत्या, इसकी पड़ताल जारी है। लेकिन इसी बीच जो खबर आई है वो आपको और हमें सभी को चौंका देने वाली है कि विकी डोनर के अभिनेता भूपेश पांड्या को हमने खो दिया है। ये बढ़ते पूरी खबर की तरफ। बॉलीवुड अभिनेता भूपेश पांड्या आयुष्मान खुराना की फिल्म विकी डोनर में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे, जिनकी आज फेफड़े के कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई। इसकी जानकारी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा की गई, क्योंकि वो उसके पुराने छात्र रह चुके हैं। NSD के आधिकारिक ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी गई। इस ट्विटर में लिखा गया, विख्यात रंगकर्मी भूपेश कुमार पांड्या पूर्व NSD 2001 बैच के आकस्मिक निधन की खबर बेहद दुखद है। NSD की परिवार भावमनी सिद्धांत्री बेहद दुखद है और ऐसे में NSD परिवार भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसके साथ साथ अभिनेता मनोज वाजपेयी, गजराज राव जैसे कई कलाकारों ने उनके आकस्मिक निधन पर दुख व्यक्त करते हुए ट्विटर पर उनके एक पोस्ट साझा की। बता दें, भूपेश ने विकी डोनर में काम किया। भूपेश कुमार पांडे हजारों ख्वाहिशें से ऐसी वेब सीरीज डेली क्राइम और गांधी टू हिटलर जैसी महान फिल्मों में उन्होंने अपना अभिनय किया। बता दें, भूपेश ने विकी डोनर में काम किया था। भूपेश कुमार पांड्या ने हजारों ख्वाहिशें से ऐसी वेब सीरीज डेली क्राइम, गांधी टू हिटलर, परमाणु जैसी तमाम ऐसी बड़ी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अपना सहकलाकार के रूप में अभिनय किया और खासा अच्छा किरदार निभाते नजर आए। तो ऐसी बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल ऑल इन न्यू नेशन के साथ। धन्यवाद।